हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉम वेलकम टू माय चैनल आई एम बुकिलिशियस। आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ इकार्ट टोले की किताब स्टिलनेस स्पीक्स इसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। इसकी लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही डीप बुक है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके किताब की प्राइस को मैं बता देती हूँ। इस किताब का प्राइस है 299 rupees, 300 ऑलमोस्ट, और इसके पेजेस है सिर्फ 128 पेजेस। मुझे लगता है 300 rupees लग रहा है, लेकिन ये किताब बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही डीप बुक है। लास्ट मैंने एक वीडियो शेयर किया था दीपक चोपड़ा की किताब 7 Spiritual Laws of Success, तो इसमें भी वही चीज़ें बताई गई हैं, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में है ये किताब। और मुझे लगता है कि इस किताब को ज़रूर एक बार सबको पढ़ना चाहिए। एकार्ट टोले ने एक किताब लिखी है द पावर ऑफ नाउ, और उनकी ये एक और किताब है स्टिलनेस स्पीक्स, खामोशी भी बोलती है, खामोशी बोलती है। और एक और उनकी किताब है द न्यू अर्थ, तो द न्यू अर्थ भी आई गेस मुझे लगता है वो पूरा ईगो के ऊपर है। और ये किताब पूरा ओवरऑल सब कुछ पूरा डिटेल में बताया गया है। जल्दी से छोटा सा जो समरी है मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस किताब में 10 chapters हैं। साइलेंस एंड स्टिलनेस फर्स्ट चैप्टर है। तो साइलेंस क्या है? साइलेंस वही है जो बाहर प्रकृति में जो साइलेंस है, वही साइलेंस हमारे अंदर है। हमारे अंदर का साइलेंस और बाहर का साइलेंस दोनों कनेक्टेड है, पर हम इससे अनअवेयर हो गए हैं। यही अवेयरनेस हमें लानी है, हमारे जो थॉट्स है इसके बियॉन्ड जाकर हमें उस साइलेंस को अनुभव करना है। इसको अगर हम अपने लाइफ में अपनाते हैं तो जो एक विदाउट फॉर्म और विदाउट लेबलिंग का एक डायमेंशन क्रिएट होता है, टेंशन स्ट्रेस नहीं रहता है, जो ट्रूथ हैप्पीनेस आता है वो उसे हम रिसीव करते हैं अपने लाइफ में। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है बियॉन्ड द थिंकिंग माइंड। तो हम जो हमेशा सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसके ऊपर उठना है हमें। और जब हम रियलाइज़ करना सीख जाएंगे कि ये सोच जो है यही हमें कंट्रोल कर रही है, तो हमारे अंदर ट्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है। थर्ड चैप्टर है इगोइक सेल्फ। उसमें बोला गया है दो तरह के आई के बारे में। फर्स्ट जो आई है वो है इगोइक वन, और दूसरा जो आई है वो है जो हर कुछ होते हुए देख रहा है, पूरे क्रिएशंस को देख रहा है, पूरी जो घटनाएं घट रही है उसको देख रहा है। हमारा जो एंगर है, हमें जो हर वक्त कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, और ईगो हमेशा ढूंढता रहता है कि उससे कुछ ना कुछ थॉट मिलता रहे, नेगेटिव थॉट मिलता रहे, ताकि वो खुद को बूस्ट करता रहे। तो ईगो के परे जाना है, तभी हम ट्रू सेल्फ साइलेंस को अपने लाइफ में ला सकते हैं। और वो जो सोच जहाँ से शुरू होती है, उस दो सोच के बीच का जो गैप होता है, जो एम्प्टीनेस होता है, वहीं ट्रू साइलेंस है। उसको अगर हम जान पाते हैं तभी हमारे अंदर ट्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। फोर्थ चैप्टर है नाउ। हमारे पूरे दिन में बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, हज़ारों मोमेंट्स होते हैं। इस यहाँ पे पूरे सारे मोमेंट्स के बारे में बात नहीं की गई, यहाँ पे सिर्फ वही जो नाउ अभी जो हो रहा है उसके बारे में बात की गई है। हम जो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, पास्ट में जाकर तो नहीं सोचते, पास्ट को हम प्रेजेंट में ही सोच रहे हैं। फ्यूचर के बारे में चिंता करते हैं, फ्यूचर में जाकर नहीं सोच रहे, फ्यूचर की चिंता प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो हमारे हाथ में ना पास्ट है ना फ्यूचर है, सिर्फ प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट नाउ इन दिस मोमेंट हमको जीना है, थाउजेंड ऑफ मोमेंट्स में नहीं, जो मोमेंट अभी हमारे लाइफ में चल रहा है उसको हमें वैल्यू देना है, उसके अंदर जो स्टिलनेस है, अवेयरनेस है, उसको अनुभव करना है। नेक्स्ट के जो दो तीन चैप्टर्स है वो मैं साथ में आपको बता देती हूँ। फिफ्थ चैप्टर है हु यू ट्रूली आर, सिक्स चैप्टर है सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस, और सेवन्थ चैप्टर है नेचर। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जानना हमारा जो रियल ट्रू सेल्फ क्या है, कौन है हम। और एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर में क्या बोला गया है कि जो सिचुएशन जैसा है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, उस पर हमें सरेंडर करना है, जजमेंटल नहीं होना है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम बाहर की दुनिया से खुद के अंदर की दुनिया को कनेक्ट नहीं कर पाते, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो सिचुएशन जैसा है उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके मुताबिक खुद को सरेंडर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे ही सरेंडर कर देते हो सिचुएशन को, एज इट इज़ एक्सेप्ट करती हो, तो आपके अंदर एक पीसफुल जॉय आ जाता है, सारे स्ट्रेस चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक और बात की गई है कि बहुत सारा काम होता है जो जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हम मन से उस काम को करना ही नहीं चाहते। यहाँ पर क्या है, एफर्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, खुशी की मात्रा ज़्यादा नहीं होती, इसके लिए रिजल्ट जो है वो अप टू द मार्क नहीं होते हैं। तो रिजल्ट अच्छा पाने के लिए उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करें और सरेंडर करें। नेक्स्ट का जो चैप्टर है वो है नेचर। हमारा जो अटेंशन है वो इस नेचर के
प्रति देना है। नेचर के प्रति अटेंशन देना मतलब क्या, सिर्फ नेचर के बारे में सोचना नहीं है कि बस बैठ गए हम ट्री के बारे में सोच रहे हैं या स्टोन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो देखा है बस उसे देखे, उसे ऐसे वैसे ही रिसीव करे, उस पर कुछ जजमेंट ना करने बैठ जाए। जो प्रकृति में जो शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है, वो अभी जो जानवर है, पेड़ पौधे हैं, वो वही साइलेंस को अभी भी अपना रहे हैं, उसमें थॉट को नहीं डालते, ईगो नहीं डालते हैं। नेचर में वो साइलेंस एंड स्टिलनेस, अलर्टनेस, अवेयरनेस है, तो उसको हमारे अंदर भी एज इट इज लाना है। नेचर और लास्ट के 3 चैप्टर्स है रिलेशनशिप्स, डेथ एंड इटर्नल, एंड 10वां चैप्टर है सफरिंग एंड द एंड ऑफ सफरिंग। तो रिलेशनशिप में बोला गया है कि जो रिलेशन में आप किसी के साथ भी कैसा भी रिलेशन है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। दोनों जो पार्टनर रहते हैं उनको साथ में बैठकर साइलेंस को अनुभव करना चाहिए, साइलेंस के साथ खुद को कनेक्ट करना चाहिए। और जो 9वां जो चैप्टर है उसमें बोला गया है कि डेथ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत समय ऐसा होता है कि लव्ड वन को हम खो देते हैं, तो ऐसा लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें जो है लाइफ से, इस दुनिया से चले जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका जो एक आइडेंटिफिकेशन है वो गुम हो जाएगा, उनके ईगो को हर्ट होगा। ईगो को हमेशा चाहिए अपना जो आइडेंटिफिकेशन है उसको बरकरार रखना। लाइफ में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे ही चले जाते हैं बाय बोलकर, तो हमारे मन में थोड़ा थोड़ा दुख बैठ जाता है। तो यहाँ पे किताब में बोला गया कि वो छोटा छोटा जो दुख हमें महसूस होता है, हम छोटी छोटी मौत मरते हैं। डेथ का ऑपोजिट लाइफ नहीं होता है, डेथ का ऑपोजिट बर्थ होता है। लाइफ का कोई ऑपोजिट नहीं होता, लाइफ जो है वो इटर्नल है। और जो 10वां चैप्टर है वो है सफरिंग एंड द एंड ऑफ सफरिंग। इसमें बोला गया है कि सफरिंग भी बहुत ज़रूरी है, सफरिंग अगर ना हो तो आपके अंदर से जो ईगो का शेल है वो क्रैक नहीं होता है। तो आपके दिमाग से ईगो नहीं हटता तो आपको अपने लाइफ का पर्पस नहीं समझ में आता है। तो आप जब सफ़र नहीं करोगे तो आपके सफरिंग का एंड भी नहीं होगा और आपको अपनी लाइफ का पर्पस भी नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी। इसमें जस्ट मैंने ऊपर ऊपर ही आपको बताया, क्योंकि डिटेल में मैं अगर इसको बताने जाऊँ तो भाई अभी ये वीडियो बहुत बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप सब इस किताब को खरीदिए और पढ़िए, ये किताब सबको पढ़नी बहुत ज़रूरी। तो बताइए दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो आज का तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मैं फिर से हाजिर होंगी आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बहुत सारे किताबें पढ़िए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।